हाई गाइज़ माई नेम इज़ नितिश एंड यूर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम लोग एक्सटी बूस्ट का इन डेप्थ मैथमेटिक्स कवर करने वाले हैं so, सो अगर आप सारे वीडियोज़ फॉलो कर रहे हो तो मैंने अभी तक तीन वीडियोज़ डाले हैं एक्स टी बूस्ट के ऊपर पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन कवर किया था दूसरे वीडियो में मैंने रिग्रेशन के ऊपर एक्स टी बूस्ट कैसे अप्लाई होता है ये दिखाया था थर्ड uh, वीडियो में हमने कवर किया था कि क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम के ऊपर एक्सटी बूस्ट कैसे अप्लाई होता है बट इन तीनों वीडियोज़ में मैंने अभी तक मैथ्स जरा भी डिस्कस नहीं किया था तो वही हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले इस वीडियो में विल गो वेरी डीप और पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है उसको स्क्रैच से समझेंगे सारे फॉर्मूलेस कहाँ से आए ये समझने की कोशिश करेंगे आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए वो एक बार मैं बता देता हूँ एक्सटी बूस्ट नो डाउट आज के डेट में मशीन लर्निंग की स्पेस में सबसे पावरफुल एल्गोरिदम है Uh, कोई भी प्रॉब्लम आप उठा लो टेबुल और डेटा के ऊपर मोस्ट लाइकली आप वहाँ पर एक्सटी बूस्ट लगाओगे ही तो ऐसे में इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट और लेट्स से यू आर अ डेटा साइंटिस्ट तो आपके पास एक बहुत क्लियर पिक्चर होना चाहिए एक्स टी बूस्ट के मैथमेटिक्स का तो ये वीडियो आपको वही प्रोवाइड करेगा uh, बहुत इन डेप्थ डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में uh, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो भी है uh, हम लोग रिसर्च पेपर को बहुत रेफर करेंगे Uh, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कवर करने में नो डाउट वीडियो थोड़ा लंबा है बट वो इसलिए है बिकॉज मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं कुछ भी स्किप नहीं करूँगा और हर चीज़ आपको करके लिख करके डिराइव करके दिखाऊँगा सो दिस इज जस्ट फॉर हार्ड कोर डेटा साइंस फैंस तो अब और मैं आपको बोर नहीं करूँगा लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो आपको ये तो समझ में आ गया कि इस वीडियो में हम लोग एक्सटी बूस्ट का डिटेल्ड मैथमेटिक्स कवर करने वाले हैं बट वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एग्जैक्टली exactly बताना चाहता हूँ कि हम मैथमेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं तो अभी तक एक्सजी बूस्ट का अगर आपने सारे वीडियोस फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि हमने अभी तक तीन वीडियोस इस चैनल पे डाले हैं इन द फर्स्ट वीडियो वी डिड अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एल्गोरिदम एक्सजी बूस्ट वीडियो नंबर टू में हमने बहुत स्पेसिफिकली फोकस किया था रिग्रेशन के ऊपर कि एक्सजी बूस्ट एक रिग्रेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है फिर वीडियो नंबर थ्री में हमने क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर बूस्ट कैसे काम करता है ये डिस्कस किया था तो अगर आपने ये दोनों वीडियोस देख रखे हैं तो आपको शायद याद होगा कि जो एक कॉमन चीज थी रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों ही प्रॉब्लम्स में वो ये थी कि हम एक डिसीजन ट्री बनाते थे जो कि रेगुलर डिसीजन ट्री से थोड़ा अलग होता था ठीक है बूस्ट में आपका जो डिसीजन ट्री होता है वो नॉर्मल डिसीजन ट्री से अलग होता है दो एस्पेक्ट्स में पहला एस्पेक्ट ये होता है कि नॉर्मल डिसीजन ट्री में जब आप नोड का कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप एंट्रोपी एंड जीनी इंडेक्स जैसी क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हो बट बूस्ट वाले जो ट्रीज होते हैं उसमें आप इन दोनों को यूज ना करके एक कंप्लीटली अलग क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हो जिसको हम सिमिलैरिटी स्कोर बोलते हैं ठीक है एंड यहां पर अगर आप फोकस करो तो यू विल फाइंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सिमिलैरिटी स्कोर फॉर रिग्रेशन एंड टू कैलकुलेट द सिमिलैरिटी स्कोर फॉर क्लासिफिकेशन ठीक है सो so, ये दोनों फॉर्मूलाज मैंने इन दोनों वीडियोज में इंट्रोड्यूस किए थे मैंने आपको कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं दिया था और मैंने आपको ये बोला था कि जस्ट ट्रस्ट मी दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज इट बट आज के वीडियो में हम बहुत डिटेल में घुस के ये समझेंगे कि ये दोनों फार्मूलाज आए कहाँ से जो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है एक्स बूस्ट वाले ट्री में और नॉर्मल डिसीजन ट्री में वो यहाँ पर आता है कि डिसीजन ट्री का आउटपुट कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है नॉर्मल वाले का और एक्स जी बूस्ट वाले का लीफ नोड का आउटपुट कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग होता है और अगेन आप यहाँ पे अगर फोकस करो तो ये है फॉर्मूला आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर एनी लीफ नोड इन केस ऑफ रिग्रेशन और ये के फॉर्मूला दोनों फॉर्मुलेज को मैंने इन दोनों वीडियोज में इंट्रोड्यूस किया था और फिर से मैंने आपको नहीं बताया था कि ये आए कहाँ से तो आज के वीडियो में हम इन दोनों के पीछे भी जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों फॉर्मूलाज का एग्जिस्टेंस कैसे आया ठीक है तो इन शॉर्ट आज का जो वीडियो है उसमें वी आर गोइंग टू डू अ डीप डाइव इन टू द मैथमेटिक्स ऑफ बूस्ट एंड हमारा गोल होगा टू अंडरस्टैंड कि ये जो चारों फॉर्मूलाज हैं ये कहाँ से आए मैं आपको हर वाई का आंसर दूंगा एंड ट्रस्ट मी अगर ये वीडियो आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके पास एक्सजी बूस्ट का ऐसा फाउंडेशनल नॉलेज आ जा जाएगा जिससे आप फ्यूचर में बहुत अच्छे से एक्स जी बूस्ट को किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई कर पाओगे ठीक है ऑल्सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मैं सो so, जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा कॉन्टेंट अवेलेबल नहीं है कुछ एक जगहों पे लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि एक्स बूस्ट का मैथमेटिक्स कैसे काम करता है बट मुझे उनमें कुछ कुछ गलतियां दिखाई दी तो दैट इज वाई इस वीडियो के लिए मैंने स्पेसिफिकली एक्सटी बूस्ट का जो रिसर्च पेपर है उसको यूज किया है तो जो भी मैथमेटिक्स में आपको बताऊंगा इस पूरे के पूरे वीडियो में वो बेसिकली इन दो पेजेस में है पेज नंबर टू एंड पेज नंबर थ्री ठीक है सो थिंग्स विल बी फैक्चुअली करेक्ट एंड द गुड पार्ट इज कि आप वापस जा करके एक्स बूस्ट का ये पेपर भी पढ़ पाओगे ठीक है तो विद दैट आई गेस आई गेव यू अ क्लियर प्लान ऑफ अटैक नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑल्सो एक और चीज अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है कि ये जो वीडियो है मैथमेटिक्स के ऊपर ये बहुत डिफिकल्ट होगा तो मेरा आपके लिए एक सजेशन है कि आप कुछ चीज़ें पहले से पढ़ के आओ ये वीडियो देखने के लिए उसके बाद आपको ये वीडियो आसान लगेगा क्या क्या पढ़ना होगा आपको सबसे पहले तो एक्सटी बूस्ट में इससे पहले मैंने जो दो वीडियोस डाले हैं रिग्रेशन वाला वीडियो एंड क्लासिफिकेशन वाला वीडियो ये वीडियोस आपको देखने हैं तभी आपको चीजें समझ में आएंगी इसके अलावा आपको ग्रेडियन बूस्टिंग के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए बिकॉज एक्सटी बूस्ट इज जस्ट ऑप्टिमाइजेशन ओवर ग्रेडियन बूस्टिंग ग्रेडियन बूस्टिंग अगर पता है तो समझने में काफी आसानी हो जाएगी एंड ऑब्वियसली डिसीजन ट्रीज के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए ट्री कैसे बनता है आउटपुट वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए इतना अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है ट्रस्ट मी आपको ये वाला वीडियो समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी तो क्या सबसे शुरुआत में मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिविज़न देना चाहता हूँ कि बूस्टिंग मॉडल्स जैसे कि एक्सडी बूस्ट या ग्रेडियन बूस्टिंग काम कैसे करते हैं हालांकि ये मैं आपको मल्टीपल बार बता चुका हूँ बट एक बार लेट्स अ क्विक रिविजन सो जैसा कि आपको पता है कि बूस्टिंग मॉडल्स जो होते हैं जैसे कि ग्रेडियन बूस्टिंग या एक्सटी बूस्ट फॉर दैट मैटर आप आगे और जो बूस्टिंग एलगोरिटिव मॉडल्स एड करते जाते हो अपने एग्जिस्टिंग ऑन सॉम्बल में तो स्टेज वन में आपके पास ये मॉडल है एम वन ठीक है इसने कुछ गलतियां की आपके डेटा के ऊपर आप उन गलतियों के ऊपर इस मॉडल को ट्रेन करते हो एम टू और फिर आप इन दोनों को मिला करके प्रिडिक्शन करते हो फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी कुछ गलतियां करेगा तो उस गलती को आप प्रोपोगेट करते हो थर्ड मॉडल की तरफ थर्ड मॉडल ट्रेन होता है और फिर आप इन दिनों का कंबाइंड ऑन को मिला करके प्रिडिक्शन करते हो और इस तरीके से आप कितने भी मॉडल्स को ऐड कर सकते हो आई गेस ये चीज आपको पता है ठीक है तो यहाँ पर बस इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपके पास ये डेटा है स्टूडेंट्स का जहाँ पे आपके पास इनपुट में है सी और आई क्यू एंड दिस इज योर आउटपुट कि उनका पैकेज कितने का लगा तो हमने क्या किया इसके ऊपर एक्सजी बूस्ट अप्लाई किया और हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हम दो मॉडल्स बनाएंगे पहला और दूसरा अब जनरली जो फर्स्ट मॉडल होता है वो एक बेस मॉडल होता है और रिग्रेशन के केस में दिस बी मीन ऑफ़ आउटपुट कॉलम तो हमने बेसिकली इन तीनों का मीन ले लिया दिस इज योर फर्स्ट मॉडल दिस दिस इज योर एम वन ठीक है अब ऑब्वियसली एम वन कुछ गलती करेगा आप इस बच्चे के लिए भी बोल रहे हो कि पैकेज फोर्टीन पॉइंट फाइव होना चाहिए इसके लिए भी बोल रहे हो फोर्टीन पॉइंट फाइव होना चाहिए और इसके लिए भी बोल रहे हो फोर्टीन पॉइंट फाइव ही होना चाहिए तो ऑब्वियसली एरर है गलतियां हैं तो अब आप क्या करोगे आप अपने इनपुट को उठाओगे और इसको ये जो डिफरेंस है ये जो गलतियां हैं एरर है इसको उठाओगे और इस डेटा के ऊपर आप स्टेज टू में एम टू को ट्रेन करोगे विच इज नथिंग बट अ डिसीजन ट्री ठीक है अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये आपका decision tree बना, ठीक है? सीजीपीए लेस देन सिक्स तो ये होगा आई क्यू लेस देन हंड्रेड तो ये होगा ठीक है एंड ये आपने ट्रेन कर लिया ठीक है अब सवाल ये है कि कल को अगर एक नया बच्चा आता है मान लो उसका सीजीपीए है नाइन और उसका आई क्यू है हंड्रेड या हंड्रेड एंड टू तो हम उसका आउटपुट कैसे निकालेंगे वाई आई हैट कैसे निकालेंगे कि उसका पैकेज कितने का लगेगा बहुत सिंपल है हम इस इनपुट डेटा को इस एम वन प्लस एम टू के कॉम्बिनेशन में भेजेंगे तो एम वन क्या आउटपुट देगा फोर्टीन पॉइंट फाइव प्लस एम टू के आउटपुट देगा सिंस इट इज डिसीजन ट्री आप उससे क्वेश्चन पूछोगे सी जी पी ए लेस देन सिक्स है नहींन है ठीक है तो आप इसको मान लेते हैं अगर येस yes. और इसको मान लेते हैं नो no. तो आप सीधे टू पॉइंट वन एड कर दोगे और आप बोलोगे सिक्सटीन पॉइंट सिक्स शुड बी द पैकेज तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट प्रिडिक्शन इन द केस ऑफ बूस्टिंग ठीक है तो अगर आप एकदम स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल सेंस में बात करो तो ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं दे आर नथिंग बट मैथमेटिकल फंक्शन इफ यू थिंक आई कैन एक्चुअली राइट दिस वन एज एफ वन एक्स या एफ वन एक्स आई बोल सकते हैं फॉर ईच डेटा पॉइंट वी विल कैलकुलेट एंड इसको हम एफ टू एक्स आई बोल सकते हैं भले ही ये डिसीजन ट्री है बट है तो एक फंक्शन ना उसको आप कुछ इनपुट दे रहे हो वो कुछ आउटपुट निकाल के दे रहे हैं अब वो आउटपुट निकालने के लिए वो इफ एल स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं बट कोई बात नहीं है तो वो फंक्शन ही तो अगर आपके पास खूब सारे इस तरह के फंक्शन हैं तो ये लास्ट वाला आपका बन जाएगा एफ एन एक्स आई तो इन शॉर्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि बूस्टिंग में आपका जो आउटपुट कैलकुलेट होता है उसको आप एक मैथमेटिकल कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो अगर आपके पास एन मॉडल्स हैं जैसे यहाँ पर दो हैं मान लो हमारे पास अगर एन होते तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते एफ वन एक्स आई प्लस एफ टू एक्स आई प्लस डॉट 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 प्लस एफ एन एक्स आई या फिर इसको हम ऐसे लिखते आई इज इक्वल टू वन से लेके एन एफ आई एक्स आई दिस इज द फॉर्मूला फॉर द आउटपुट बूस्टिंग एल्गोरिदम लाइक एक्सजी बूस्ट आई होप आपको समझ में आ गया अब गाइज हमें ये तो समझ में आ गया कि आप एक बूस्टिंग मॉडल का आउटपुट को सम ऑफ फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्लेन uh, कर सकते हो बट एक चीज जो समझ में नहीं आई है वो ये है कि इस डिसीजन ट्री का ये जो लीव नोट्स है ये तीन जो लीफ नोड्स हैं इनकी आउटपुट वैल्यू कैसे निकली अब अगर आपने पिछले दो वीडियोस देखे होंगे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिग्रेशन की बात करो सिंस ये जो प्रॉब्लम है वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो अगर आप रिग्रेशन की बात करो तो रिग्रेशन के केस में आउटपुट ऑफ द डिसीजन ट्री कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ रेजिडुअल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिडुअल्स प्लस लैमडा ठीक है जैसे मान लो आपको इस पर्टिकुलर लीफ नोड का आउटपुट कैलकुलेट करना है तो आप सबसे पहले क्या पता करोगे कि इस पर्टिकुलर लीफ नोड में इनमें से कौन कौन से डेटा पॉइंट्स आकर के गिरेंगे ठीक है तो यू कैन सी सिर्फ यही डिसीजन यही डेटा पॉइंट यहां पे आके गिरेगा राइट right? क्योंकि लेस देन सी जी पी ए फाइव बस इसीरो में है तो यहां पर आप क्या करोगे कि आप इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी रेजिडुअल होगा या एरर होगा उसको लिख दोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिडल एक है प्लस जो भी आपका लैमडा वैल्यू है वो आप डाल दोगे और वही आपका आउटपुट वैल्यू होगा सिमिलरली इसके लिए भी आप क्या करोगे इस वाले नोड के लिए भी यू विल फाइंड आउट कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस वाले नोड में आके गिरेंगे जैसे अभी फिलहाल मुझे ये वाला दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट तो फिर इसके लिए भी आप ये सेम फॉर्मूला लगाओगे एंड सिमिलरली फॉर दिस वन आल्सो बट हमें इस वीडियो में ये समझना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से इस फॉर्मूले का ओरिजिन स्टोरी क्या है वही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे गोइंग फॉरवर्ड कि गिवन एन ट्री हाउ डू यू फाइंड आउट द लीफ वेट्स बाय द वे ये जो आउटपुट ऑफ लीफ नोड होता है इसको हम लीफ वेट भी बोलते हैं तो हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे ठीक है अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है मैं आपको सबसे पहले इसके पीछे का थॉट प्रोसेस समझाता हूँ तो के के तो समझ में आ गया कि ये जो हमारा ओवरऑल कंबाइंड मॉडल है जहाँ पे हमारे पास दो मॉडल्स हैं एम वन और एम टू इन दोनों का जो कंबाइंड आउटपुट होगा जिसको हम वाई आई भी बुलाएंगे वो होगा एम वन का आउटपुट प्लस एम टू का आउटपुट राइट और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि हम मैथमेटिकली इसको फंक्शंस के टर्म्स में लिख सकते हैं तो लेट्स से हम एम वन को बुला रहे हैं एफ वन एक्स आई प्लस एम टू विच इज इसको हम बुला रहे हैं ठीक है अब हमें ये तो पता है कि एफ वन एक्स आई का आउटपुट हमेशा फोर्टीन पॉइंट फाइव है हमें एफ टू एक्स आई का आउटपुट निकालना है ठीक है मजे की बात यह है कि हमें थ्री आउटपुट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ठीक है ये आपको याद रखना है कि एफ टू एक्स आई का एक सिंगल आउटपुट वैल्यू नहीं है तीन अलग आउटपुट वैल्यूज आएंगे वन फॉर दिस वन फॉर दिस वन फॉर दिस हमें तीनों को कैलकुलेट करना है सो so बेसिकली अगर इस डिसीजन ट्री में पांच लीफ नोड होते तो ये f2 xi में हमें पांच वैल्यूज निकालनी होती ठीक है तो जो भी है अब हमारे पास yi हैट का ये फॉर्मूला है ठीक है हमें पता करना है कि एफ टू एक्स आई का वैल्यू क्या होगा ठीक है तो पहले एक बार सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या वैल्यू होना चाहिए तो अगर आपने मशीन लर्निंग इनफ पढ़ लिया है और एलगोरिदम्स अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि आपका जो भी प्रिडिक्शन है आपके एल्गोरिदम का उसका एक ही काम होता है रियलिटी के क्लोज पहुंचना और रियलिटी क्या है वाईआई जो आपके डेटा में बच्चों का एक्चुअल पैकेज है आप हमेशा क्या करना चाहोगे वाईआई और वाईआई हैट के बीच का गैप को रिड्यूस करना चाहोगे राइट सो बेसिकली हमें एफ टू एक्स आई में कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे फॉर एवरी डेटा पॉइंट फॉर एवरी डेटा पॉइंट इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का जो डिफरेंस है वो रिड्यूस हो जाए ठीक है अब इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे पहले वाई आई और वाई आई के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लिख लो और आई गेस किसी बिगनर को भी पता होता है कि वाई आई और वाई आई के बीच के रिलेशनशिप को ही हम क्या बुलाते हैं लॉस फंक्शन, लॉस फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो हमें वाई आई और वाई आई हैट के बीच में एक रिलेशनशिप बना के देता है और हमारा गोल मशीन लर्निंग में ये होता है कि हम लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं जैसे कि हमने रिग्रेशन के केस में एक बहुत फेमस लॉस फंक्शन पढ़ा था मीन्स क्वेड एरर जिसका फॉर्मूला ये होता है आई होप आपको लीनियर रिग्रेशन से ये याद आ गया होगा तो अब हमें अगर ये वैल्यू निकालनी है तो हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करेगी ये तो शायद आप समझ गए बस अब एक क्वेश्चन आता है कि एक्सजी बूस्ट के केस में लॉस फंक्शन होता क्या है वॉट इज द लॉस फंक्शन अगर हमें लॉस फंक्शन मिल जाता है तो मैं उस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के प्रोसेस में ये एफ टू एक्स आई निकाल लूंगा ठीक है तो पहले मैं आपको एक बार ग्रेडियंट बूस्टिंग में जो लॉस फंक्शन यूज होता है वो दिखाऊंगा और फिर मैं आपको उसके बाद एक्सटी बूस्ट का लॉस फंक्शन दिखाऊंगा तो ग्रेडियन बूस्टिंग इज वन एल्गोरिदम विच इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल मैंने आपको ग्रेडिएंट बूस्टिंग पढ़ाते टाइम ये बताया था कि ग्रेडिएंट बूस्टिंग इज सो फ्लेक्सिबल कि वो किसी भी टाइप का लॉस फंक्शन एक्सेप्ट कर लेता है बशर्ते वो डिफरेंशिएबल हो मतलब आप उस लॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर पाओ बिकॉज डिफरेंशिएट करना जरूरी है बिकॉज आप ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करोगे तो फॉर दैट यू नीड डिफरेंशिएबल लॉस फंक्शन वन सच डिफरेंशिएबल लॉस फंक्शन इज मीन मीनड एरर जो अभी मैंने आपको दिखाया तो अगर आप ग्रेडियन बूस्टिंग की बात करो ना तो ग्रेडियन बूस्टिंग में एक्चुअली कोई स्पेसिफिक लॉस फंक्शन नहीं होता है ग्रेडियन बूस्टिंग में कभी भी लॉस फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है दैट्स इट अगर आप ये लिखा हुआ देख रहे हो तो दिस इज ग्रेडियंट बूस्टिंग का लॉस फंक्शन अब इसमें आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन डाल सकते हो आप मीन स्क्वायर्ड एरर भी डाल सकते हो आप लॉग लॉस भी डाल सकते हो आप कोई और लॉस फंक्शन भी डाल सकते हो बस वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए बट एक्सजी बूस्ट का जो लॉस फंक्शन है वो थोड़ा सा अलग दिखता है स्लाइटली डिफरेंट और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था एक्सजी बूस्ट के कि एक्सजी बूस्ट का जो लॉस फंक्शन होता है उसमें बाय डिफॉल्ट एक रेगुलराइजेशन का पैरामीटर होता है ठीक है तो नाउ आई शो यू कि एक्सजी बूस्ट का लॉस फंक्शन कैसा दिखता है अब अगर आप एक्सजी बूस्ट के ओरिजिनल पेपर पे जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा एंड दिस इज द लॉस फंक्शन ऑफ एक्सजी बूस्ट ठीक है तो पहले मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये लॉस फंक्शन क्या बता रहा है सो so, हमारे केस में सिंस देर आर टू मॉडल्स एम वन प्लस एम टू यहाँ पर एम वन इज़ अ बेस मॉडल एंड एम टू इज़ अ डिसीजन ट्री तो हमारा जो लॉस फंक्शन होगा वो होगा सिग्मा आई इक्वल टू वन से लेके एन सारे डेटा पॉइंट्स एल वाई आई वाई आई हैट प्लस दिस ओमेगा टर्म ऑन f2 xi ठीक है अब यहां पर बताया हुआ है कि ये ओमेगा ऑफ एफ क्या है ठीक है ये सिर्फ बाय द वे ये जो टर्म है ये सिर्फ आपके इस लास्ट वाले डिसीजन ट्री के ऊपर एप्लीकेबल है तो ये एक्चुअली दो टर्म से मिलके बना है ठीक है सो so, ये एक्चुअली है गामा टाइम्स टी प्लस हाफ लैमडा टाइम्स डब्लू का स्क्वायर ठीक है एक बार मैं आपको ये सारी चीजें समझा देता हूं सो so, यहां पे जो टी है ये है नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन योर डिसीजन ट्री जैसे हमारे केस में वन टू थ्री ये हमारा नंबर ऑफ लीफ नोट्स हो गए तो यहाँ पे टी का वैल्यू थ्री हो जाएगा और ये डब्ल्यू क्या है ये डब्ल्यू है इन लीव्स का वेट या आउटपुट जैसे डब्ल्यू वन हो गया ये ये डब्ल्यू टू हो गया ये डब्ल्यू थ्री हो गया ठीक है और ये जो गामा है दिस इज अ रेगुलराइजेशन पैरामीटर एंड दिस लैमडा इज ऑल्सो अ रेगुलराइजेशन पैरामीटर ठीक है बेसिकली uh, आप पनिश करना चाहते हो अपने ट्री को फॉर मेकिंग टू मेनी लीफ नोट्स एंड हैविंग वेरी हाई आउटपुट वैल्यूज दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड दिस एंटायर लॉस फंक्शन ठीक है यू कैन कंपेयर इट साइड बाय साइड विथ ग्रेडियंट बूस्टिंग ग्रेडियंट बूस्टिंग में ये लॉस फंक्शन होता सिर्फ ये दैट्स एट ये वाला टर्म नहीं होता तो एक्सटी बूस्ट में सबसे पहले जो बड़ा डिफरेंस आपको अभी तक दिख रहा होगा वो ये है कि ये लॉस फंक्शन अलग है इसमें एक रेगुलराइजेशन पैरामीटर बिल्ट इन आता है ठीक है तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये डब्लू वन ये डब्लू टू और ये डब्लू थ्री क्या होना चाहिए तो बहुत सिंपल शब्दों में हमें डब्ल्यू वन टू एंड डब्ल्यू थ्री कि ऐसी वैल्यूज चाहिए जो इस लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करेंगी एंड दैट्स द होल और अब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन के डोमेन में आ चुके हैं जो थोड़ा सा फेमिलियर टेरिटरी है ये आपने ग्रेडियंट डिसेंट में भी पढ़ा है लीनियर रिग्रेशन में भी पढ़ा है एंड और भी कई एलगोरिदम्स में आपने ये एक्सप्लोर uh, किया है कि लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करके किसी पर्टिकुलर पैरामीटर की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है ठीक है तो अब हम लोग गोइंग फॉरवर्ड यही सारा मैथमेटिक्स अप्लाई करने वाले हैं। अब आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा अभी तक मैं क्या कर रहा था कि मैं इस चीज को लॉस फंक्शन बुला रहा था ठीक है इस कॉम्प्लेक्स टर्म को लॉस फंक्शन बुला रहा था बट एक्चुअली आप इसको लॉस फंक्शन नहीं बुलाते हो आप एक्चुअली इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बुलाते हो this is called as objective function because this is a sum of two things first your loss function and second your regularization term ठीक है तो so going forward we'll call it objective function कहीं भी आप पढ़ोगे तो इसको objective function बुलाया जाएगा मेरे से हो सकता है गलती से फिर से loss function निकल जाए but आप भावना समझना ठीक है आई वॉन्ट यू टू गेट कंफर्टेबल विथ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये जो स्क्रीन पे अभी लिखा हुआ है ना इसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ तो मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको दो तीन अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिखाऊंगा ठीक है तो मान लो कि हम तीन चार अलग अलग मॉडल्स बना रहे हैं सो so, मान लो हम हमारे पास एक डेटा सेट है कुछ भी डेटा सेट है और हमने इसके ऊपर बूस्टिंग परफॉर्म किया यूजिंग एक्सटी बूस्ट अब आपको पता है कि बूस्टिंग में आप क्या करते हो एक के बाद एक मॉडल्स एड करते जाते हो इन अ स्टेज वाइज फैशन फर्स्ट स्टेज में एक मॉडल सेकेंड स्टेज में दो मॉडल्स थर्ड स्टेज में तीन मॉडल्स एंड सो ऑन अब मान लो जब आपने पहली बार इसके ऊपर एक्सटी बूस्ट लगाया तो आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई मैं सिर्फ एक ही मॉडल यूज करूंगा सो देर विल बी ओनली वन मॉडल तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर सिर्फ एक सिंगल मॉडल होता तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा दिखाई देता बाय द वे पहला मॉडल आपको पता है एक्सजी बूस्ट में कोई ट्री नहीं होता है ये सिंपली मीन होता है दिस इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट तो मान लो हमारे पास एक सिंगल मॉडल है दिस इज एम वन मैथमेटिकली हम इसको एफ वन एक्स आई बुला सकते हैं तो इसके लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हो जाता आई इक्वल टू वन एन फॉर ऑल द डेटा पॉइंट्स लॉस फंक्शन इज वाई आई कॉमा वाई आई ये वाला टर्म नहीं आता बिकॉज ये वाला टर्म क्या है ये वाला टर्म है ये चीज राइट right. इसमें टी क्या है नंबर ऑफ लीफ नोड्स और डब्ल्यू क्या है लीफ वेट्स अब खुद ही सोचो अगर आपके पास सिर्फ एक ही मॉडल है और वो सिर्फ मीन वाला मॉडल है दिस इज नॉट इवन अ डिसीजन ट्री तो फिर उसके लिए आप ये चीज थोड़ी ना लिखोगे आई होप आपको बात समझ में आ रही है अब एक सेकेंड केस लेते हैं सेकेंड केस क्या है कि हम इस बार दो मॉडल्स ले रहे हैं वी आर टेकिंग टू मॉडल्स दिस इज एम which is again mean and we are taking टेकिंग एम टू विच इज अजन ट्री ठीक है और मैथमेटिकली हम इसको लिख रहे हैं एफ वन एक्स आई और इसको हम बता रहे हैं एफ टू एक्स आई इस केस में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा दिखाई देगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा दिखाई देगा वाई आई कॉमा बाय द वे हम वाई आई हैट को ये लिख सकते हैं राइट right? तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे रादर देन राइटिंग वाई आई हैट आई एम राइटिंग एफ वन एक्स आई प्लस एफ टू एक्स आई ठीक है प्लस ओमेगा ऑफ एफ टू एक्स आई वाई ओनली एफ टू एक्स आई बिकॉज ओनली एफ टू एक्स आई इज अजनट्री ठीक है वैसे भी दिस इज दू दिस वाला नया मॉडल एड हुआ है एंड सिंस दिस इज अ डिस तो आपका ये जो रेगुलराइजेशन टर्म होगा वो सिर्फ एफ टू पे अप्लाई होगा एफ वन पे अप्लाई नहीं होगा ठीक है लेट्स टेक वन मोर आइट्रेशन Let's add one more model. So we are moving on to stage three. Stage three, we have three models. This is the first one. This is the second one. This is the third one. So this is model one. This is model two. This is model three. This is again just a mean. This is a decision tree. This is also a decision tree. Okay. Mathematically, we are calling it f1x.

प्लस एफ थ्री एक्स आई सिर्फ एफ थ्री एक्स आई क्यों ऐड किया मैंने बिकॉज यहां तक का रेगुलराइजेशन हमने इस स्टेप में ऑलरेडी हैंडल कर लिया है ठीक है अब सिंस ये नया डिसीजन ट्री ऐड हुआ है दैट इज वाई हम इसके ऊपर रेगुलराइजेशन लगा रहे हैं ठीक है आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं वन लास्ट एग्जाम्पल वी आर एट स्टेज टी वी डोट नो कितने आइट्रेशन हो गए कितने मॉडल्स हमने एड कर दिया वी डोंट नो हमें बस इतना पता है कि अब हमारे पास टी मॉडल्स है टी हंड्रेड भी हो सकता है थाउजेंड भी हो सकता है वी डोंट नो एनी थिंग सो नाउ वी हैव टी मॉडल्स वी हैव टी मॉडल्स दिस इज एम वन दिस इज एम टू

हम एक काम और कर सकते हैं एक नोटेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहां पर वी कैन राइट वन टू रिप्रेजेंट दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ स्टेज वन यहां पे वी कैन राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ स्टेज टू यहां पर वी कैन राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ स्टेज थ्री एंड सिमिलरली वी कैन राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ स्टेज टी तो यहां पे आ जाएगा वाई आई कॉमा एफ वन एक्स आई प्लस एफ टू एक्स आई प्लस डॉट 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 प्लस एफ टी एक्स आई सबसे लास्ट वाला प्लस हमेशा आप अपने सबसे लास्ट वाले डिस्ट्रीटरी पे फोकस करते हो तो यहां पे आ जाएगा एफ टी एक्स आई दिस विल बी द लॉस फंक्शन और आई एम सॉरी दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट स्टेज टी ठीक है अब मैं एक काम करने वाला हूं मैं ये जो पूरा टर्म है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने वाला कैसे ध्यान देना सो आई वुड री राइट इट एज वाई आई कॉमा वाई आई है स्टेज टी माइनस वन प्लस एफ टी एक्स आई प्लस एफ टी बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने एफ वन एक्स आई प्लस एफ टू एक्स आई डॉट 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 एफ टी माइनस वन एक्स आई इस पूरे को इस टर्म से रिप्लेस कर दिया वाई आई हेट टिल स्टेज टी माइनस वन और हम लिख सकते हैं ना इसको सही बात है ना अगर हम टी माइनस वन स्टेज पे होते तो उसका वाई आई हेट यही वैल्यू तो होता तो बेसिकली मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एट एनी स्टेज टी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ बूस्ट कैन बी रिटर्न एज सिग्मा आई इक्वल टू वन से लेके एन फॉर ऑल द डेटा पॉइंट्स एल वाई आई वाई आई हैट टी माइनस वन एथ स्टेज प्लस एफ टी एक्स आई प्लस ओमेगा ऑफ एफ टी एक्स आई और ये पूरी मेहनत मैंने सिर्फ इसलिए की बिकॉज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे इस रिसर्च पेपर में भी उन लोगों ने टी एथ स्टेज का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको ठीक वैसे ही लिखा है जैसे हम लोगों ने लिखा है यू कैन सी अब हमें क्या करना है हमें इस एफ टी एक्स आई जो है विच इज द लास्ट डिसीजन ट्री इसका एक ऐसा आउटपुट वैल्यू निकालना है जो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर देगा दैट इज द गोल वी हैव टू फाइंड आउट सच्चा वैल्यू ऑफ और दिस डिसीज़न ट्री और इस लीफ का आउटपुट सो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज हो जाए दिस इज आवर गोल एट हमने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो स्टेब्लिश कर लिया और हमने अपना गोल भी स्टैब्लिश कर लिया हमें बेसिकली एफ का एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करेगा सो so, एसेंशियली हमने इस पूरी प्रॉब्लम को एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बना दिया एंड द गुड पार्ट इज की वी आर ऑलरेडी वेरी कंफर्टेबल विथ सॉल्विंग सच ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स राइट माय क्वेश्चन टू यू वुड बी कि क्या आपने कभी इस तरह का कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व किया है जहां पे आपको एक लॉस फंक्शन को या एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करने वाले पैरामीटर्स की वैल्यू चाहिए होती है डांसर शुड बी यस मतलब अगर आपने लीनियर रिग्रेशन ही पढ़ा है तो वहीं पर अगर आपको याद होगा तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था या लॉस फंक्शन होता था विच वॉज दिस और uh, वहां पे एक्चुअली जो लॉस फंक्शन था अभी तो मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया वो होता था मीन स्क्वायर जिसको आप ऐसे भी लिख सकते थे वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर ठीक है अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप इस डेटा के ऊपर लीनियर रेग्रेशन लगा रहे हो आपके पास एक्सपीरियंस बोल के एक इनपुट कॉलम है और आपको सैलरी कैलकुलेट करना है तो ये आपका इनपुट है ये आपका आउटपुट है ठीक है तो यहाँ पे वाई आई क्या होता था वाई आई हैट क्या होता था लाइक वाई आई तो ये है वाई आई हैट होता था एम टाइम्स एक्सपीरियंस ऑफ द आइए कैंडिडेट प्लस बी राइट तो इन अ वे मैं इस लॉस फंक्शन को ऐसे भी लिख पाता था वाई आई माइनस यहाँ पे एक्सपीरियंस आई को मैं एक्स आई भी, भी बुला सकता हूँ बिकॉज ये इनपुट है राइट right? और अगर आपको याद होगा तो हमारा आप काम क्या होता था कि हमको एम और बी का ऐसा वैल्यू चाहिए होता था जिसके लिए ये लॉस मिनिमम हो दिस इज लाइक एकदम बेसिक लीनियर रिग्रेशन ठीक है और फिर हम क्या करते थे हम एक ग्राफ प्लॉट करते थे जहां पर एक एक्सिस पे एम होता था एक एक्सिस पे बी होता था और एक्सिस पे हमारा लॉस का वैल्यू होता था ठीक है हम अलग अलग एम और बी की वैल्यूज को ट्राई करते थे और लॉस को प्लॉट करते थे अब सिंस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है तो आपको अगर याद होगा तो ये हमारा लॉस फंक्शन होता था यहाँ पे ये जो है कॉस्ट या लॉस हो गया इस एक्सेस पे आपका एम हो गया इस एक्सेस पे आपका बी हो गया ठीक है जैसे ही हमें पता चल गया कि इतना प्यारा सा पैराबोलिक शेप है और अब हमें पता करना है एम और बी की ऐसी वैल्यू जिसके लिए लॉस मिनिमम हो तो हमें पता है कि वो हमेशा इस जगह पे होगा जहाँ पे दोनों के रिस्पेक्ट में लॉस स्लोप के रिस्पेक्ट में और लॉस इंटरसेप्ट के रिस्पेक्ट में जीरो होगा तो हम क्या करते थे हम अपने इस लॉस फंक्शन का डिफ्रेंसीेशन करते थे एक बार एम के रिस्पेक्ट में और उसको जीरो सेट करके एम का वैल्यू निकालते थे और एक बार बी के साथ साथन करके बी का वैल्यू निकालते थे और बेसिकली हमें एम और बी का ऐसा वैल्यू मिल जाता था इस लॉस को मिनिमाइज करता था और यहीं पर हम ग्रेडियंट डिसेंट जैसा टेक्निक यूज करते थे ठीक है तो इन शॉर्ट मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि इस तरह का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व किया है बट वॉट इफ मैं आपको ये बोलूं कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर पाना टेढ़ी खीर है या फिर बहुत डिफिकल्ट है तो वुड यू अग्री चलो मैं आपको अपना आर्ग्यूमेंट देता हूं कि क्यों मुझे लगता है कि इसको ऑप्टिमाइज कर पाना इस तरीके से ये जो तरीका मैंने अभी आपको बताया यहां पर लीनियर रिग्रेशन वाले केस में जो एल था वो हमारे पास ये चीज है लीनियर एग्रेशन में जो एम और बी हमारे पैरामीटर्स थे यहां पर वो ये है राइट बट काम सेम है बट मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि इसको ऑप्टिमाइज करना इज मच मोर डिफिकल्ट उसका रीजन ये है कि अगर आप समझो तो दोनों जगह वाई आई क्या है लीनियर एग्रेशन वाले केस में वाई आई हैट बहुत सिंपल चीज है वो है एम एक्स प्लस बी ठीक है अगर आप इसको ड्रॉ करके देखो तो अगर ये आपका एक्सपीरियंस है और ये आपका सैलरी है और अगर ये आपका डेटा है तो आपका वाई आई हेट इज बेसिकली दिस लाइन इट्स अ सिंपल कर्व बट अगर आप बात करो हमारे डिसीजन ट्री वाली चीज में तो यहां पे ये

सेम डेटा होता यहां पर एक्सपीरियंस होता यहां पे सैलरी होता और ये हमारे डेटा पॉइंट्स होते तो ये वाई आई हैट का जो कर्व होता ना वो कुछ ऐसा दिखाई देता ये कुछ ऐसा दिखाई देता आई एम नॉट श्योर मैं इसको ड्रॉ कर पाऊंगा कि नहीं बेसिकली आपने अगर डिसीजन ट्री और रिग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इस तरीके से पूरा का पूरा रिग्रेशन होता है इन द केस ऑफ मान लो ये डेटा होता तो इस केस में कुछ ऐसा दिखाई देता समथिंग लाइक दिस वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि लीनियर रिग्रेशन वाले केस की तरह ये एक सिंपल लाइन नहीं होगा हमारे केस में इट वुड बी कर्व कर्व इस तरह का कर्व होगा ठीक है क्यों क्योंकि डिसीजन ट्रीज का आउटपुट जो होता है वो एक्चुअली इस तरीके का होता है ठीक है इफ आई कैन शो यू सो आई वुड जस्ट सर्च डिस ट्री रिग्रेशन ग्राफ जस्ट शो यूज अगर यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन हो तो आई विल जस्ट कट दिस डाइग्राम एंड आई विल जस्ट शो यू वट आई एम ट्राइंग टू से कहा गया यहां गया तो अगर ये नॉर्मल लीनियर एग्रेशन होता तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ होती राइट बट सिंस ये एक डिसीजन ट्री है या सेट ऑफ डिसीजन ट्रीज है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा ऐसा और ऐसा इसलिए बनेगा बिकॉज अगर आपने मेरी डिसीजन ट्री की क्लास देखी होगी तो वहां पे मैंने बताया था कि इसका जो आउटपुट होता है वो वाइज कॉन्स्टेंट होता है मतलब इतने एरिया में कॉन्स्टेंट वैल्यू है फिर अगले ही मोमेंट पे ये वैल्यू है पिछले मोमेंट पे ये वैल्यू है सडन जम्प्स होते हैं सडन जम्प्स होते हैं ठीक है तो बिकॉज हमारा जो वाई आई हैट है वो इतना वियर्ड कर्व है उसकी वजह से जब हम लॉस का वाई आई हैट के साथ ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो हमको इतना स्मूद ऐसा पैराबोलिक कर्व नहीं मिलेगा देर इज अ गुड चांस कि हमको कुछ इस तरह का कर्व मिले है शायद पैराबोला ही बट बहुत इरेग्यूलैरिटीज के साथ इसको आप थ्री में इमेजिन करो ठीक है तो बिकॉज इस तरीके से ये पैराबोला बना हुआ है इसको ऑप्टिमाइज करना आसान नहीं होगा क्यों क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स पे ये वाला कर्व डिफ्रेंशियबल ही नहीं है तो बेसिकली आप ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन लगा ही नहीं सकते आप इस जगह पे पहुंच ही नहीं सकते बिकॉज आप स्लोप ही नहीं निकाल पा रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एफ टी एक्स आई तो एक बार मैं पूरे अपने आर्ग्यूमेंट को समराइज करता हूँ मैंने क्या बोला कि हमें करना क्या है हमें इस पूरे इक्वेशन को इस पूरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करने वाला एफ टी एक्स आई निकालना है सो so बेसिकली ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है बट हमने ये सीखा था कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में आप क्या करते हो कि आप अपने ऑप्टिमाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर दैट इज इन्वॉल्व और फिर आप उसको इक्वल टू जीरो करके उसका वैल्यू निकाल लेते हो बट इसके लिए जरूरी है कि आपका ये जो ऑप्टिमाइजेशन आई एम सॉरी आपका ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये डिफ्रेंशिएबल हो बट सिंस हमारा जो वाई आई हैट है उसमें एक डिसीजन ट्री इन्वॉल्व है इस डिसीजन ट्री के आ जाने से आपका ये जो लॉस का कर्व बना वो एक्चुअली नॉन डिफरेंशिएबल है एट मेनी पॉइंट्स उसकी वजह से यू कैन नॉट फाइंड आउट दिस स्लोप एंड हेंस यू कैन नॉट फाइंड आउट अ वैल्यू ऑफ एफ टी एक्स आई विच विल मिनिमाइज दिस एंटायर थिंग दिस इज माई आर्ग्यूमेंट आई होप मैं समझा पाया सो वॉट इज द सोल्यूशन द सोल्यूशन इज कि वॉट इफ मैं इस कर्व को ये जो जेग्जैक्ट वियर्ड कर्व है इसको स्मूदन कर पाऊं अप्रोक्सीमेट कर पाऊं मतलब वॉट इफ मैं इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को रिप्लेस कर पाऊं विथ सम अदर इक्वेशन विथ सम अदर इक्वेशन जो कि मे बी ऐसा दिखाई दे कोई जरूरी नहीं है थोड़ा ऊपर भी हो सकता है थोड़ा नीचे भी हो सकता है बट क्लोज हो ठीक है और साथ ही साथ स्मूद हो और डिफरेंशिएबल हो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए विथ रिस्पेक्ट टू एफ टी एक्स आई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो फिर हमारा काम हो सकता है सो बेसिकली वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू समाउ एप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट दिस पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिकॉज राइट नाउ दिस इज नॉट यूजफुल तो दिस वॉज अट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ दिस एंटायर एक्सप्लेनेशन बट आई गेस मैं आपको रफली समझा पाया कि प्रॉब्लम क्या है और अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन ये है कि हम अपने इस नॉन डिफरेंशिएबल कर्व को एप्रोक्सीमेट करेंगे यूजिंग अ ब्यूटीफुल मैथमेटिकल टेक्निक कॉल्ड टेलर सीरीज जो आई एम श्योर आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा मैथ्स में बट उतना ध्यान नहीं दिया होगा तब बट गेस व्हाट ये अब हमें हेल्प करने वाला है अ दिस प्रॉब्लम So guys, एक बार जल्दी से हम लोग टेलर सीरीज समझने की कोशिश करते हैं सो so दैट आगे जब मैं उसको अप्लाई करूं तो आपके पास थोड़ा सा आइडिया रहे तो टेलर सीरीज है क्या एक बार पहले मैं आपको वन लाइन में डिफाइन करता हूँ सो so, टेलर सीरीज इज अ वेरी वेरी पावरफुल एप्रोक्सीमेशन टेक्निक सबसे सिंपल डेफिनेशन तो यही हो गया सो so, टेलर सीरीज क्या बोलता है कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेके आओ ठीक है कोई भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन लेके आओ और टेलर सीरीज क्या कर, कर सकता है कि उसको अप्रोक्सीमेट कर सकता है यूजिंग अ पोलिनोमियल राइट मान लो आपके पास एक बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन है मान लो फिलहाल ई टू पावर एक्स आप उसको बहुत आसानी से अप्रोक्सीमेट कर सकते हो यूजिंग सम uh, पोलिनोमियल जैसे कि मान लो दिस इज अ पोलिनोमियल ठीक है तो दिस इज वॉट द बेसिक डेफिनेशन सेज कि आप इनपुट में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डालो और आप उसको अप्रोक्सीमेट कर पाओगे यूजिंग सिंपल पोलिनॉमियल्स ठीक है दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड टेलर अप्रोक्सीमेशन या टेलर सीरीज बस इसमें एक ही कैवियाट है कि अगर आपको बहुत एक्यूरेट बहुत एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन चाहिए तो आपका ये जो पोलिनोमियल बनेगा उसमें आपको बहुत सारे पोलिनॉमियल टर्म्स ऐड करने पड़ेंगे लाइक एक्स रेस्टू दावर तो थ्री रेस्टू दावर तो फोर रेस्टू दी तो पावर फाइव एंड सो so ऑन जितने ज्यादा पोलिनोमियल टर्म्स आप ऐड करते जाओगे उतना ही ज्यादा आपका जो अप्रोक्सीमेशन है वो सटीक होता जाएगा एक्यूरेट होता जाएगा ठीक है तो ये तो हो गया वॉट अब मैं आपको एक बार हाउ बताता हूँ कि एग्जैक्टली टेलर सीरीज काम कैसे करता है हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज ये टेलर सीरीज स्पेसिफिक वीडियो नहीं है तो मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा है थ्री ब्लू वन ब्राउन का बहुत ही प्यारा वीडियो है टेलर सीरीज के ऊपर अगर आप एक बार वो देख लोगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग काफी डेवलप हो जाएगा बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली exactly कैसे काम करता है टेलर सीरीज ठीक है तो टेलर सीरीज किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को पोलिनोम में कन्वर्ट करने के लिए यूज करता है डेरिवेटिव्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड फोर्थ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यूज करता है टू अप्रोक्सीमेट कॉम्प्लेक्स फंक्शन ठीक है तो अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि फॉर्मूला क्या है टेलर सीरीज का तो टेलर सीरीज का फॉर्मूला For a function fx around a point A can be written as fx is approximately equal to f of a plus f dash a divided by one factorial x minus a plus f double dash a. डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ए थ्री फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का होल क्यूब और इस तरीके से आप कितने भी पोलिनोम टर्म्स ऐड कर सकते हो तो यू कैन सी इस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए अराउंड द पॉइंट ए आई एम यूजिंग डेरीवे दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज दिस इज दर्ड ऑर्डर की कोशिश करता हूँ सच में हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो है ई रेस टू दावर एक्स और हम एक्वल टू जीरो करना चाहते हैं ठीक है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेशन क्या होगा वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ सबसे पहले मैं इस टर्म पे फोकस करूंगा एफ ऑफ ए क्या होगा सो so, ऑफ होगा बेसिकली पावर एक्स के बदले आ जाएगा ए और ए का वैल्यू जीरो मतलब वन आ जाएगा ठीक है अब हम ये वाला टर्म पे फोकस करेंगे सो so, ये टर्म है एफ डैश ए वन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए बाई वे यहाँ पे एफ डैश ए का मतलब है आ, एफ का डेरिवेटिव ठीक है तो आपको पता है ई टू पावर एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो ई टू पावर एक्स ही होता है तो गोइंग बाय दैट लॉजिक वो ई टू पावर एक्स हो जाएगा और एक्स के बदले हम लोग डाल देंगे ए और वन फैक्टोरियल का वन यहां पे आ गया और एक्स माइनस ए एज इट इज यहाँ पे आ गया ए के बदले हम जीरो डाल देंगे तो ये बन जाएगा सिंपली एक्स ठीक है तो इस टर्म के बदले आ गया एक्स अब हम लोग इस टर्म पे फोकस करते हैं एफ डबल डेरिवेटिव एक्स माइनस ए का स्क्वायर डबल डेरिवेटिव भी सेम होगा तो यहां पर आ जाएगा ई टू पावर ए टू फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर ई टू पावर जीरो x का स्क्वा ये अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय यहाँ पे टू फैक्टोरियल होगा तो टू आ जाएगा फिर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं एफ ये वाला टर्म बेसिकली यहां पे आ जाएगा x माइनस ए का क्यूब दिस विल अगेन बी वन डिवाइडेड बाय सिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स का क्यूब तो ये हो जाएगा एक्स टू दावर थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स सो बेसिकली अगर मैं ई टू दी पावर एक्स को अप्रोक्सीमेट करना चाहूं यूजर टेलर सीरीज तो ये आता है और इसको मैं आगे कितना भी बढ़ा सकता हूँ ठीक है तो मैं अब आपको एक बार ये विजुलाइज करके दिखाता हूँ सो so, मेरे पास यहाँ पे डेस्क खुला हुआ है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं e टू पावर x कैसा दिखाई देता है बहुत फेमस है ये पता ही होगा अब मैं आपको दिखाता हूँ y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स एड करके सो so बेसिकली मैंने फिलहाल इतना टर्म यूज किया है ठीक है एंड यू कैन सी ऑलरेडी जो अप्रोक्सीमेशन है वो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए या एक्वल टू जीरो के लिए एक्यूरेट है एटलीस्ट इस पॉइंट पे ये ब्लू कर्फ और ये रेड कर्फ सेम ही चीज है ठीक है बट नोटिस करना जैसे जैसे मैं हायर डिग्री टर्म्स एड करता जाऊंगा जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूं एक्स स्क् डिवाइडेड बाय टू तो आप नोटिस करना कि थोड़ा जीरो के आसपास दोनों साइड में अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा एक्यूरेट होता जा रहा है नोटिस करना मैं एक्स क्यूब का टर्म ऐड कर रहा हूं यू कैन सी अब और ज्यादा एरिया में आप अप्रोक्सीमेशन देख पा रहे हो तो बेसिकली आप जितने ज्यादा टर्म्स एड करते जाओगे इस पोलिनोमियल में आपका जो अप्रोक्सीमेशन का एक्यूरेसी है वो उतना ही इंप्रूव करता जाएगा फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ एक्स ठीक है आपने अगर खूब सारे टर्म्स ऐड कर दिए तो वो बिल्कुल इस रेड वाले कर्व को अप्रॉक्सीमेट करने लग जाएगा एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेलर सीरीज ठीक है तो वही अब हमें करना है हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि इस पॉइंट पे कोई खास यूजेबल नहीं है उसके ऊपर हमें टेलर सीरीज लगाना है और उसको यूजेबल बनाना है तो गाइज नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि टेलर सीरीज क्या होता है और टेलर सीरीज कैसे काम करता है अब हम टेलर सीरीज को अपने इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे और हमारे इस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करके सिंप्लीफाई कर देंगे ठीक है बस हम एक चीज करने वाले कि हम सिर्फ सेकेंड डिग्री पोलिनॉमियल तक ही सिंप्लीफाई करेंगे बेसिकली ये टर्म लेंगे ये टर्म लेंगे और ये टर्म लेंगे इसके आगे वाले टर्म नहीं लेंगे थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव हमें लेने की जरूरत नहीं है हमारा काम चल जाएगा ठीक है अब जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस तरह के कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के ऊपर टेलर सीरीज अप्रोक्सीमेशन लगाने का वो है टू आइडेंटिफाई कि एक्स क्या होगा और ए क्या होगा तो सबसे पहले मैं ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा देखो हमारे केस में एक्स होगा ये पूरा टर्म अच्छा एक चीज और आ, हम सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर ही टेलर सीरीज लगाने वाले हैं इसके ऊपर नहीं लगाएंगे ठीक है तो यहां पर अगर आप नोटिस करो तो हमारा एक्स है ये पूरी चीज़ बिकॉज यही वो पूरी चीज है जो वेरी करेगी बेसिकली टी आइट्रेशन तक का प्रिडिक्शन तो आप यहाँ पे पहले ही लिख लो कि वाई आई हैट टी माइनस वन प्लस एफ टी एक्स आई ये हमारा एक्स हो गया अब बात आती है कि ए क्या होगा ए होता है पॉइंट ऑफ चेंज जहां पे बदलाव आना शुरू होता है तो बेसिकली ये जो टी माइनस वन वाला आइटरेशन है इस पॉइंट के बाद बदलाव आ रहा है ये हम डिसीजन ऐड कर रहे हैं अब इसका कुछ भी आउटपुट हो सकता है तो ए हम लेके चलेंगे वाई आई है ठीक है इसके आगे वो चेंज आने वाला है ठीक है अब हम क्या करेंगे एक एक करके ये सारे टर्म्स कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन को अप्रोक्सीमेट करेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना है एफ ए तो एफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एफ एक्स लिखना पड़ेगा और फिर जहां भी एक्स है उसमें ए को हम डाल देंगे एक्स को रिप्लेस कर देंगे तो सबसे पहले मैं आपको एफ एक्स लिख के दिखाता हूं तो एफ एक्स है हमारा ये वाला पूरा टर्म इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं आई इक्वल टू वन से एन वाई आई वाई आई है ये हो गया मेरा पूरा का पूरा एक्स अब बस मुझे क्या करना है ये जो पूरा जो एक्स है इसके बदले मुझे ए को डाल देना तो वट आई विल डू इज आई जस्ट इरेज एंड आई विल रीराइट और ये हो गया हमारा एफ ए हमारा पहला टर्म हमने निकाल लिया अब हमें सिमिलरली दूसरा टर्म निकालना है दूसरे टर्म में हमें क्या करना है एफ डैश ए निकालना है ठीक है बेसिकली हमें डी एफ बाई डी एक्स करना है और उसको उसमें से फिर एक्स को रिप्लेस करके मान लो थोड़ी देर के लिए कि एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है तो डी एफ डी एक्स क्या होगा टू एक्स तो फिर एफ डैश ए क्या होगा टू ए एक्स के बदले ए को डाल दिया तो अगर मैं सिंपल लिखना चाहूं तो एफ डैश ए एक्स माइनस ए पहले एफ डैश ए पे फोकस करते हैं ये हो जाएगा अपना आ, सिग्मा आई इक्वल टू वन से लेके एन डेल एल वाई आई वाई आई हैट यहां पे भी टी माइनस वन आ जाएगा बिकॉज एक्स के बदले आपको ए डालना है डिवाइडेड बाय डेल वाई टी माइनस वन ठीक है अब बात करते हैं एक्स माइनस ए की तो सिंपल है आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो क्या बचा एफ टी एक्स आई और सिमिलरली हमें अब निकालना है एफ डबल डैश ए डिवाइडेड बाई टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर तो सिंपल है ये भी यहाँ पे आ जाएगा आई इक्वल टू वन से एन ये सेम चीज रहेगी बस डबल डिफ्रेंशिएट होगी स्क्वायर एफ टी का स्क्वायर और ये हमने कर लिया अप्रोक्सीमेट अब बस मैं इन तीनों को यहाँ पे बिठाऊंगा तो ये पूरा इक्वेशन अब बन जाएगा ये तीनों समेशन को मैं बाहर ले आ रहा हूं और सबसे पहले आ जाएगा एल वाई आई वाई आई हैट टी माइनस वन आइट्रेशन तक प्लस अब ये जो टर्म है ना ये जो बड़ा सा ये डिफ्रेंसियेशन है इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ठीक है और इसको हम जी आई से डिनोट करेंगे तो वॉट वी कैन डू इज वी कैन राइट जी आई अच्छा एक चीज और मैं यहां पे भूल गया यहां पे हाफ भी आएगा बाहर बिकॉज ये भी टू है ना तो यहां पे जी आई हो गया और फिर आ गया अपना एफ टी एक्स आई प्लस अब ये जो टर्म है ना डबल डिफेंसिएशन ऑफ लॉस फंक्शन इसको हम हैशियन बोलते हैं सुना होगा शायद आपने और इसको आप एच हाँ आई से डिनोट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ एच आई एफ टी स्क्वायर एक्स आई और फिर लास्ट में ये वाला टर्म भी आ जाएगा प्लस एफ टी सॉरी यहाँ पे आएगा तो इक्वेशन को मैंने थोड़ा अच्छे से यहाँ पर लिख दिया है ठीक है तो आई गेस फर्स्ट ऑफ ऑल आप एप्रिशिएट कर पा रहे हो कि वो जो कॉम्प्लेक्स का इक्वेशन था उसको हमने पोलिनोमियल फॉर्म दे दिया है और अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमारे एक्स के टर्म्स में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहा है ऑल्सो इस पॉइंट पे आई वुड लाइक टू तो शो यू द रिसर्च पेपर एंड यू कैन सी ये जो स्टेप है ये हमने एग्जैक्टली exactly अचीव कर लिया है बिल्कुल लाइन बाय लाइन ये रहा हमारा पहला टर्म ये रहा हमारा दूसरा ग्रेडियंट वाला टर्म और ये रहा हमारा तीसरा हैशन वाला टर्म ये एग्जैक्टली exactly हमने यहाँ पे अचीव किया अब अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे मैं आपको बताता हूँ देखो हमारा गोल क्या है हम क्या करने निकले थे हमें एफ टी एक्स आई की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये पूरा इक्वेशन मिनिमाइज होता है ठीक है तो हमारा प्लान क्या था कि हम इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एफ टी एक्स आई और फिर इक्वल टू जीरो करेंगे राइट मतलब इसी तरह का कुछ प्लान था या फिर हम कोई फॉर्म ऑफ उप ऑप्टिमाइजेशन लगाएंगे तो डिफरेंशिएट तो करना है ये तो समझ में आ रहा है तो एक चीज नोटिस करो अगर मैं यहां पे देखूं तो देर आर इन टोटल फोर टर्म्स दिस इज द फर्स्ट टर्म दिस इज द सेकेंड टर्म दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म इसमें इसमें, इसमें, इन तीनों में एफ टी एक्स आई आता है मतलब डिफरेंशिएट करने पे कुछ तो फायदा होगा बट इसमें एफ टी एक्स आई नहीं आता है। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एफ टी एक्स आई तो ये वाला टर्म ऑटोमैटिकली फ्यूचर में जाके जीरो होने वाला है तो वॉट आई कैन डू इज आई कैन डू अ अफिकेशन एंड आई कैन राइट माई ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज दिस जस्ट अ सम ऑफ ग्रेडियंट्स एंड हैशन और एग्जैक्टली exactly यही यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन में लिखा है ये देखो इन लोगों ने भी सेम काम किया इन लोगों ने भी इस वाले टर्म को हटा दिया बिकॉज दिस इज अ अंस्टेंट टर्म इसमें नहीं आता तो आगे इसमेंट करके जीरो करोगे उस टाइम पे हमें कुछ मिलेगा नहीं इससे तो इट वॉज जस्ट अ स्मार्ट मूव टू तो रिमूव दैट एंड नाउ वी आर हि अब शायद एक चीज के ऊपर आप भी ध्यान दे पा रहे हो कि ये जो हमारा टर्म है ये बेचारा बहुत देर से शांत बैठा हुआ है तो अब हम क्या करेंगे हम इसको भी एक्सपैंड करेंगे ठीक है एंड हमें एक्सपैंड करना आता है मैंने आपको बताया था जब मैंने एक्स बुस्ट का लॉस फंक्शन आपको पढ़ाया था कि ये जो टर्म है ये काइंड kind ऑफ of आपका रेगुलराइजेशन टर्म होता है और इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो इन टू दीज टू कंपोनेंट्स ठीक है यहाँ पर ये जो टी है ये जो आपने आखिरी मॉडल लगाया टी एच स्टेप पे वहां पर एक डिस आपने लगाया होगा तो ये जो टी है वो ये बताता है कि कितने लीफ नोट्स हैं जो ये डब्ल्यू का स्क्वायर है इसका बेसिकली मतलब हुआ कि इन तीनों लीफ का जो आउटपुट होगा उसको हम डब्ल्यू बुला सकते हैं डब्ल्यू थ्री बुला सकते हैं तो हम इसको ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं एज हाफ टाइम्स लैमडा डब्ल्यू वन का स्क्वायर डब्ल्यू टू का स्क्वायर डब्लू थ्री का स्क्वायर ठीक है वन टर्म For each leaf node. तो हम लोग यही करने जा रहे हैं हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे थीके? थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे कि हमने जो last में tree add किया है, उसमें टी लीफ नोट हैं, ठीक है तो ये पूरा इक्वेशन कैसे ब्रेकडाउन करेगा ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा आई इक्वल टू वन से लेके एन ये वाला टर्म तो एज इट इज हम लिखेंगे जी आई एफ टी एक्स आई प्लस हाफ एच आई एफ टी का स्क्वायर एक्स आई प्लस यहां पर आ जाएगा आपका गामा टाइम्स टी प्लस हाफ लैमडा के अंदर आपके सिंस देर आर टी लीव नोट्स तो हम इसको लिखेंगे डब्ल्यू वन स्क्वायर प्लस डब्लू टू स्क्वायर प्लस डब्लू थ्री स्क्वायर डॉट 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 प्लस डब्लू टी का स्क्वायर बिकॉज देर आर टी नोड्स अब ऑब्वियसली ये कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं है तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए वॉट वी कैन डू इज वी कैन यूज अ सो वी कैन राइट इट दिस वे आई या जे बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आई हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं जे इक्वल टू वन से लेके कैपिटल टी तक डब्लू जे का स्क्वायर ठीक है ये बन गया हमारा थोड़ा और सिंप्लीफाइड ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो अब गाइज हम लोग इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहां तक तो ले आए बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया प्रॉब्लम समझना आप यहाँ पर तीन टर्म्स हैं दिस इज द फर्स्ट टर्म दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म अब इनमें से दो टर्म्स में समेशन है इस टर्म में और इस टर्म में बट प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों समिशंस अलग अलग हैं यहां पर आपका एक समेशन है आई के ऊपर जो वन से लेकर के एन तक जा रहा है बेसिकली नंबर ऑफ रोज और यहां पर आपका दूसरा समेशन है जो जे के ऊपर है जो वन से टी तक जा रहा है जहां पर टी क्या है टी है आपका नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन द लास्ट मॉडल दैट वाज एडेड जैसे मान लो अगर दो लीफ नोड्स हैं तो यहां पे टी का वैल्यू टू होगा और जे का वैल्यू पहली बार वन होगा दूसरी बार टू होगा सो so, अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको ऑप्टिमाइज करने अगर हम जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी तो हमें इसको और सिंप्लीफाई करना होगा और इनको एक कॉमन समेशन में लेके आना होगा तो मैं यहाँ पर एक स्मार्ट मैनिपुलेशन करने वाला हूँ पहले मैं वो मैनिपुलेशन आपको करके दिखाऊंगा और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो मैनिपुलेशन हुआ कैसे बट ट्रस्ट मी उस मैनिपुलेशन के होने के बाद चीजें ड्रास्टिकली इंप्रूव कर जाएंगी बहुत आसान हो जाएगा फिर इसको ऑप्टिमाइज करना सो लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट सो आई वुड राइट इट दिस वे समेशन ऑफ जे इक्वल टू वन से लेके टी ब्रैकेट समेशन आई बिलोंग्स टू आई जे जी आई डब्ल्यू जे प्लस समेशन आई बिलोंग्स टू आई जे बाहर हाफ आ जाएगा एच आई डब्ल्यू जे प्लस गामा टी प्लस हाफ लैमडा आई एम सॉरी जे इक्वल टू वन से टी डब्लू जे स्क्वा दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन अब आई एल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू जब मैं ये पेपर पढ़ रहा था एग्जी बूस्ट वाला और मैंने ये स्टेप देखा और ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो मुझे थोड़ी देर के लिए समझ ही नहीं आया कि ये हुआ कैसे ये हम इस तरह से कैसे लिख पा रहे हैं बट ट्रस्ट इट्स वेरी लॉजिकल मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ सबसे पहले आप थोड़ा चेंज समझो पहला चेंज ये है कि मैंने एफ टी एक्स आई को डब्ल्यू जे बुलाना शुरू कर दिया है ये आई गेस आप नोटिस कर पा रहे हो दिस इज द फर्स्ट चेंज ठीक है दिस इज द फर्स्ट चेंज मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं कि डब्ल्यू जे इज नथिंग बट एफ टी एक्स आई ठीक है सेकेंड चेंज क्या है कि मैंने i इक्वल टू वन से लेके n तक इसको ब्रेक कर दिया इन टू टू फर्स्ट j इक्वल टू वन से t और उसके अंदर i बिलोंग्स टू i j बस आपको ये दो चीजें समझनी है अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ गई तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा चलो गाइस फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिया ठीक है पहले मैं आपको समझाऊंगा कि i equal to one से लेके n को हमने ये फॉर्म कैसे दे दिया j equal to one से लेके t और उसके भी अंदर i बिलोंग्स टू आई जे ठीक है ये समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया मान लो ये आपका डेटा है इसमें एक इनपुट कॉलम है इसको आप एक्स आई बुला सकते हो और ये आपका आउटपुट कॉलम है इसको आप वाई आई बुला सकते हो और ये हमारा Step वाला ट्री है बहुत ही सा decision tree है, है है, 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 है? है, पे बस पूछा जा रहा से से कम है, अगर कम अगर अगर तो तो फिर का 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 होगा, और अगर से है, तो package 10 का होगा, और ज़्यादा ठीक ये leaf का output है, हम इसको डब्ल्यू वन बुला रहे हैं और ये भी लीफ का आउटपुट है तो हम इसको डब्ल्यू टू बुला रहे हैं, ठीक है अब समझना ये वाला सेटअप समझो इस पे फोकस करो जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट अगर मैं आपको बोलता कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए जहाँ पे आपके पास चार रोज हैं इस टर्म को एक्सपैंड करो तो आप इसको एक्सपैंड करके कैसे लिखते आप लिखते G1 FT एफ टी एक्स वन प्लस हाफ एच वन एफ टी एक्स वन ये फर्स्ट रो के लिए होता ठीक है यहाँ पे जहां भी x1 है उसकी जगह आप 7.1 डाल देते ठीक है यहाँ पे भी x1 में आप 7.1 डाल देते हैं प्लस अब आप सेकंड रो के लिए क्या करते सेकंड रो के लिए आप लिखते g2 f2 x2 प्लस 1/2 h2 f t2 x2 यहाँ पे जहां भी x2 है वहां पे आप 8.2 डाल देते ऐसा ही आप फोर्थ टर्म के लिए लिखते जी फोर एफ टी एक्स फोर प्लस हाफ एच फोर एफ टी स्क् एक्स फोर आई गेस आप समझ पा रहे हो मैंने चारों टर्म्स के लिए एक्सपैंड कर दिया टोटल यहां पे आ, आप ऐसे डिवाइड करो अगर तो फोर टर्म्स होते वन फॉर ईच रो ठीक है अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहां पे ये क्या बता रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो आउटर समेन है सोच के देखो ये कितनी बार खुलेगा ये आउटर समीशन दो बार खुलेगा क्यों क्योंकि हमारे डिसीजन ट्री में देर आर टू लीफ नोट दिस इज वन दिस इज टू तो ये आउटर वाला जो नोड है ये दो बार चलेगा अब बात करते हैं अंदर वाले नोड की और बात करते हैं इसका क्या मतलब है आई बिलोंग्स टू आई जे वॉट इज आई जे तो आईजे होता है इंस्टेंस सेट ऑफ लीफ जे मेरा कहने का ये मतलब है ध्यान से देखना बहुत छोटी सी चीज है ये रो वन है ये रो टू है ये रो थ्री है ये रो फोर है ठीक है अब मैं इस ट्री में इन रोज को डाल रहा हूं सीजीपीए लेस देन सेवन पॉइंट वन लेस देन सेवन तो ये फर्स्ट रो कहाँ जाके गिरेगा इस वाली लीफ में एट पॉइंट टू है ये कहां पे जाके गिरेगा यहीं पर सिक्स पॉइंट फाइव है ये कहां पे जाके गिरेगा थ्री और नाइन पॉइंट वन है ये कहां पे जाके गिरेगा फोर तो इसका ये मतलब हुआ कि इस डेटा के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये जो लीफ है लीफ नोड वन इसका जो इंस्टेंट सेट है उसमें सिर्फ एक रो आएगा ये वाला वेर एज अगर आप इस वाले लीफ का बात करो तो इसके इंस्टेंट सेट में तीन रोज आएंगे वन टू एंड फोर ठीक है तो अब मैं देखो एक्सपैंड कर रहा हूं मैं जे का वैल्यू वन से स्टार्ट कर रहा हूं जे का वैल्यू वन स्टार्ट किया इसका मतलब हम इस वाले लीफ नोड की बात कर रहे हैं अब हमें क्या करना है इस लीफ नोड के अंदर इस लीफ नोड के अंदर जो भी रो है उसके लिए ये इक्वेशन लिखना है ठीक है तो वो हो जाएगा जी थ्री थोड़ी देर के लिए मैं डब्ल्यू जे को एफ टी एक्स आई ही बोल देता हूं मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर दूंगा दोनों बराबर कैसे हैं बट फिलहाल मैं एफ टी एक्स थ्री बोल दे रहा हूं प्लस हाफ एच थ्री एफ टी एक्स थ्री ये हो गया अब सिंस इसमें एक ही था तो पहले लीफ नोड का काम खत्म हो गया अब हम आगे बढ़ेंगे जे इक्वल टू टू में विच इज दिस लीफ नोड। अब इसमें तीन रोज हैं। पहला रो कौन सा है वन वाला तो उसके लिए हो जाएगा जी वन एफ टी एक्स वन प्लस हाफ एच वन एफ टी एक्स वन ठीक है स्क्वायर हो जाएगा यहां पे। यहां भी स्क्वायर हो जाएगा फिर सेकेंड वाला रो आएगा जी टू एफ टी एक्स टू प्लस हाफ एच टू एफ टी स्क्वेर एक्स टू और फिर लास्टली फोर्थ वाला टर्म आएगा जी फोर एफ टी एक्स फोर प्लस हाफ एच फोर एफ टी स्क्वेर एक्स फोर अब आप इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो यू वुड फाइंड ये दोनों सेम है ऑर्डर अलग है बट है दोनों सेम चीज राइट right. तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखे हुए हैं तो हम इन सारे रोज को वन बाय वन इस फॉर्म में लिख रहे हैं बट जब हम इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम ट्री से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पहले लीफ नोड में कौन कौन से रोज आए उनके लिए मैंने ये सेम चीज़ किया, फिर दूसरे लीफ में कौन -कौन से रोज अगर पहले सौ बच्चों की बात हो रही थी यहां पे भी सौ ही बच्चों की बात हो रही है बस ऑर्डर चेंज हो गया बिकॉज आप डिसीजन ट्री के प्रोसेसिंग के हिसाब से एक्सपैंड कर रहे हो तो आई रियली होप आपको ये पहला सिमिलैरिटी समझ में आ गया कि कैसे हमने स्मार्टली आई इक्वल टू वन एन को इसमें ब्रेक डाउन कर लिया ठीक है अब बस एक चीज समझनी बाकी है कि क्यों मैंने डब्लू जे बोल दिया है ये देखो ये भी आई के सब बहुत आसानी से समझ सकते हो सोच के देखो जब आपने थर्ड वाले रो की आप बात कर रहे हो जब आप थर्ड वाले रो की बात कर रहे हो थर्ड वाला रो इस वाली लीफ में घुसा है ठीक है तो उसके लिए F, T, X3 क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एफ टी था क्या F, T हमारा डिसीज़न का आउटपुट था अब खुद सोचो एक्स थ्री एज इन थर्ड वाले रो के लिए हमारा ये डिसीजन ट्री क्या आउटपुट देगा डब्लू वन डब्लू वन ही तो आउटपुट देगा तो मैं एक्चुअली इसको ये भी तो लिख सकता हूं राइट right? सिमिलरली अगर आप इस वाले की बात करो यह है फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो के लिए हमारा डिसीजन ट्री क्या आउटपुट देगा डब्लू टू तो मैं इसको G1 डब्लू टू भी तो लिख सकता हूं आई गेस आपको समझ में आ रहा है ये डब्लू जे इज बेसिकली द आउटपुट ऑफ द ट्री फॉर अ पर्टिकुलर लीफ नोड अगर मुझे वो लीफ नोड पता है तो मैं इसके बदले डायरेक्टली उसको लिख सकता हूँ ना दैट इज वाई मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड नाउ वी आर एट अ स्टेज जहां पे हमारे पास प्रॉपर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ जितनी बार लिखूंगा आपको उतनी फेमिलियरिटी लगेगी यहाँ पे आ गया जी आई डब्ल्यू जे प्लस हाफ आई बिलोंग्स टू आई जे एच आई डब्ल्यू जे का स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस हाफ लैमडा जे इक्वल टू वन से टी डब्लू जे स्क्र एंड नाउ वी कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई दिस एंटायर थिंग सो अब इसको सिंप्लीफाई करना सिंपल है. तो यू कैन सी ये टर्म ये टर्म और ये टर्म इन तीनों का जो समेशन है वो J इक्वल टू वन से T के बीच में है तो so, हम क्या कर सकते हैं हम लॉस या ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा जे इक्वल टू वन से टी यहां पे आ जाएगा आई बिलोंग्स टू आई जे जी आई डब्ल्यू जे का स्क्वायर प्लस हाफ आई बिलोंग्स टू आई जे एच आई डब्ल्यू जे का स्क्वायर और हाफ डा डब्लू जे का स्क्वायर प्लस गामा टी अब इन दोनों में आप कुछ चीजें कॉमन निकाल सकते हो जैसे कि आप इसको लिख सकते हो एज तो फिर से लिख रहा हूं सिग्मा आई बिलोंग्स टू तो आई जे जी आई डब्लू जे का स्क्वायर प्लस हमने कॉमन निकाल लिया हाफ और हाफ uh, निकालने के बाद यहाँ पे बचा आई बिलोंग्स टू आई जे एच आई प्लस यहाँ पे बचा लैमडा और हमने WJ जे भी कॉमन निकाल लिया प्लस गामा टी एंड नाउ वी आर एट द पोजिशन जहाँ पे अब हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू जे ठीक है तो ये तो पूरा का पूरा जितने भी आपके डिसीजन ट्री में लीव्स हैं उतने टर्म्स के लिए बट हमें एक्चुअली किसी एक लीव के लिए करना है और उससे हमें बाकी लीव्स का भी आंसर मिल जाएगा तो बेसिकली हमें ये आउटर समेशन की जरूरत नहीं है वी वुड जस्ट टेक दिस दिस एंड दिस ये भी जीरो हो जाएगा बिकॉज जब आप इसको डब्लू जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे सिंस यहाँ पे डब्लू जे नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा बचेगा सिर्फ ये टर्म और ये टर्म तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डब्लू जे सबसे पहले अच्छा एक चीज़ मैं गलत करते आ रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा माई बैड यहाँ भी स्क्वायर नहीं होगा सबसे पहले इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा आई बिलोंग्स टू आई जे जी आई ठीक है प्लस इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये टू टाइम्स डब्ल्यू जे हो जाएगा ये टू निकल के सामने आ जाएगा तो टू बाई टू वन हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ बचेगा यहाँ पे आई बिलोंग्स टू आई जे एच आई प्लस लैमडा मल्टीप्लाइड बाय डब्लू जे और अब आपको क्या करना है इसको इक्वल टू जीरो करना है और डब्ल्यू जे की वैल्यू निकालनी है और डब्ल्यू जे की वैल्यू आएगी माइनस लैमडा आई बिलोंग्स टू आई जे जी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा आई बिलोंग्स टू आई जे एच आई प्लस लैमडा एंड दिस इज द आउटपुट वैल्यू फॉर ऑल द लीव्स अगर आप लीफ वन की बात कर रहे हो डब्लू वन अगर आपको निकालना है तो बस आपको यहाँ पे उन सारे रोज के लिए ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है जो इस वाले लीफ में आके गिर रहे हैं अगर आपको डब्लू टू कैल्कुलेट करना है तो आपको उन सारे रोज का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है जो इस लीफ नोड में आके गिर रहे हैं दैट सेट अब बस हमारा काम यह है कि वी हैव टू फाइंड आउट जी आई क्या है एंड एच आई क्या है एंड यू विल गेट आर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आउटपुट जो हम निकालने चले थे बिकॉज वी आर दिस क्लोज टू कैल्कुलेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डब्ल्यू जे बस दो मिसिंग पीसेस बाकी हैं हमें ये जी का वैल्यू चाहिए और हमें ये एच का वैल्यू चाहिए जी का मतलब ग्रेडियंट एंड एच का मतलब हैशिन ठीक है तो एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये आए कहाँ से थे जब हम टेलर सीरीज लगा रहे थे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के ऊपर तो वहां पर हमें ये डेरिवेटिव्स मिले थे और ये डबल डेरिवेटिव मिला था डेरिवेटिव को हमने ग्रेडियंट बोला था और डबल डेरिवेटिव को हमने हैशन बोला था तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज द प्रॉब्लम इज कि आपका जो ग्रेडियंट होता है जिसको आप ऐसे भी लिख रहे हो वाई आई हैट टी माइनस वन डेल वाई आई हैट टी माइनस वन और जो आपका हैशन होता है अच्छा यहाँ पे डेल भी लगेगा जो आपका हैशन होता है विच इज द डबल डेरिवेटिव एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सो so, ये जो ग्रेडियंट और हैशन है ना इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्चुअली लॉस फंक्शन पे डिपेंड करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिग्रेशन के लिए आपको अलग से ग्रेडियंट और हैशन निकालने पड़ेंगे और क्लासिफिकेशन के लिए आपको अलग से निकालने पड़ेंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं रिग्रेशन पे फोकस करते हैं क्योंकि थोड़ा सिंपल होता है यहाँ पे लॉस फंक्शन एक और चीज़ अभी क्लियर क्लैरिफाई करना चाहूंगा ये टी माइनस वन से आप घबराना मत इसका सिंपल मतलब ये है कि आप लेट्स मॉडल्स एड करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो और करेंटली आप टी एथ आइटरेशन में हो बट आप जो लॉस कैलकुलेट कर रहे हो वो टी माइनस वन वाले स्टेप पे है इस स्टेप पे आप लॉस कैलकुलेट कर रहे हो दैट्स इट और कुछ नहीं है ठीक है तो कुछ खास नहीं है बेसिकली द सेम थिंग तो अगर आप रिग्रेशन की बात करो तो रिग्रेशन में आपका जो लॉस फंक्शन होता है वो होता है मीन स्क्वायर एरर और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा ऑफ इक्वल टू वन से लेके एन वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पे आप वाई आई हैट लिख दो या फिर आप टी माइनस वन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता सेम ही बात है आपको क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू तो क्या होगी ये वैल्यू बहुत सिंपल है आप डिफ्रेंशियट करोगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू वन ये वाला टू यहाँ पे आके कट जाएगा और आपको मिल जाएगा वाई आई माइनस वाई आई हैट और ये वाला माइनस साइन बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएट होके ठीक है बेसिक डिफ्रेंशिएशन है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आई इक्ल टू वन से एन वाई आई हैट माइनस वाई आई ठीक है और यही है आपका जी आई ठीक है ऑल्सो uh, यहाँ पे जो वाई आई हैट है दिस इज द वाई आई द प्रीवियस स्टेप ये आपको याद रखना है क्योंकि टी माइनस वन है इस टी माइनस वन का यही सिग्निफिकेंस है कि जो वाई आई हैट है वो प्रीवियस स्टेप का है तो इसको अगर मैं यहां पे बिठाऊं तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी ये पूरी चीज बन जाएगी माइनस सिग्मा ऑफ आई आई जे जी आई के बदले अब हम ये समेशन यूज नहीं करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी ये वाला समेशन यूज कर रहे हैं हम सारे रोज की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ उन रोज की बात कर रहे हैं जो करंट लीफ में आके गिरे तो आगे वाला टर्म सेम रहेगा सो so, यहां पे आ जाएगा वाई आई हैट माइनस वाई आई अब अगर आप चाहो तो इस माइनस को अंदर ले जा सकते हो तो एक्चुअली आप इसको उल्टा करके लिख दो इसको आप उल्टा करके लिख दो तो वापस आ जाएगा वाई आई माइनस वाई आई हैट एंड जस्ट रिमेम्बर ये टी माइनस वन होगा पिछला स्टेप वाला वाई हैट ठीक है अब खुद सोचो इन अ वे आप क्या कर रहे हो आप रेजिडल निकाल रहे हो फॉर एवरी पॉइंट यही तो कर रहे हो ना खुद सोच के देखो मान लो आपके पास ये डेटा है सी जी पी ए आई क्यू पैकेज कितने का लगा आप शुरू कैसे करते थे आप शुरू करते थे मान लो आपके पास ये डेटा है आठ है अस्सी है पैकेज आठ का लगा नौ है नब्बे है पैकेज नौ का लगा मान लो ठीक है तो आप शुरू कैसे करते थे आप पहला मॉडल बनाते थे तो पहले मॉडल का प्रोडिक्शन क्या होता था जो मीन है तो यहाँ पे आ गया प्रेड वन तो ये हो गया एट पॉइंट फाइव ये भी हो गया एट पॉइंट फाइव ठीक है तो ये आपका वाई आई है और ये आपका वाई आई है फॉर स्टेप वन ठीक है अब आपने जैसे सेकेंड मॉडल ऐड करना शुरू किया तो ये बन गया आपका टी माइनस वन ये वाला कॉलम ठीक है तो अब इस वाले के लिए आपको क्या करना है ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको बस इस कॉलम और इस कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है एट माइनस एट पॉइंट फाइव निकालना है नाइन माइनस एट पॉइंट फाइव निकालना है ठीक है तो इन अ वे बेसिकली जो आपका रेजिडुअल हुआ प्रीवियस स्टेप का वही तो यहाँ पे आ गया तो मैं एक्चुअली इसको क्या कर सकता हूं इसको आई कैन रिप्लेस सम ऑफ रेजिडुअल डोंट यू थिंक ये जो ऊपर वाला पूरा एक्सप्रेशन है इसको आई कैन जस्ट रिप्लेस विथ रेजिडुअल ठीक है अब बात करते हैं का तो हैशन के केस में आपको क्या करना है इस वाली चीज को दो बार डिफरेंशियट करना है जब हमने इसको एक बार ही डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई आई हैट तो हमें क्या मिल गया था हमें मिल गया था थोड़ी देर के लिए समेशन को भूल जाते हैं ठीक है थीके? समेशन को आप इग्नोर मारो बिकॉज यहां पे आईकोल टू एन का समेशन है यहां पे दूसरा समेशन है तो उसको इग्नोर मारो आपको ये मिला था वाई आई आई ठीक है अब आपको उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई आई हैट यू हैव टू हैेंशिएट वन मोर टाइम तो क्या मिलेगा आपको आपको मिलेगा वन राइट right. इसका मतलब नीचे यहां पर आ जाएगा सिग्मा आई बिलोंगिंग टू आई जे वन प्लस लैमडा अब ये वन कितनी बार होगा जितने आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स आके गिरेंगे आपके लीफ में तो बेसिकली ये हो गया नंबर ऑफ रेजिडुअल्स प्लस लैमडा तो सिंपल शब्दों में अगर बात की जाए तो अगर आप डब्ल्यू जे निकालने जाते हो फॉर अ रिग्रेशन प्रॉब्लम मीन स्क्वायर एरर तो आपका फॉर्मूला होता है सम ऑफ रेजिडुअल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिडुअल्स प्लस लैमडा ठीक है जो उस लीफ में आके गिर रहे हैं ठीक है और अगर आप एकदम शुरुआत में जाओ प्लान ऑफ अटैक में तो वहां पर आप नोटिस करना ये रहा ये चीज हमने अभी जस्ट निकाली सम ऑफ रेजिडुअल्स नंबर ऑफ रेजिडुअल्स प्लस लैमडा रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया अब बचा क्लासिफिकेशन वाला प्रॉब्लम अब एक बार बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन सिनेरियो की यहाँ पर आपको अगर ग्रेडियंट और हेशन कैलकुलेट करना है तो आपका जो लॉस फंक्शन होता है वो होता है लॉग लॉस ठीक है आपको लॉग लॉस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट जी एंड एच द गुड पार्ट इज कि ये हम पहले ही कर चुके आ, कर चुके हैं इन ग्रेडियंट बूस्टिंग तो यहाँ पे मैं दोबारा से करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आपको कहाँ पे ये पढ़ा रखा है सो so, अगर आप अपने कोर्स डैशबोर्ड में जाते हो तो वहाँ पे वीक थर्टी सिक्स में ग्रेडियन बूस्टिंग पढ़ाया है आपको वहाँ पे ये ग्रेडियन बूस्टिंग क्लासिफिकेशन का मैथ्स फार्मूलेशन है वहाँ पे अगर आप थर्टी सेवन मिनट्स ऑनवर्ड्स देखोगे तो मैंने पूरा का पूरा डिराइव करके दिखाया है कि सिंगल डिफ्रेंसीशन से क्या आता है और फिर मैंने ये भी बताया है कि डबल डिफ्रेंसी से क्या आता है uh, यहाँ पर यू यू विल फाइंड लाइक थोड़ा मुझे स्क्रॉल करके समझना पड़ेगा कहाँ पर है बट या yeah, uh, दोनों चीजें निकाली हुई हैं इनफैक्ट जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें भी आपको दिख जाएगा uh, वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको या uh, सो yeah. so, जब आप सिंगल डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये रहा आपका आउटपुट इट्स बेसिकली वाई आई माइनस

रेजिडुअल ही आएगा ऊपर नीचे में बस एक चेंज आ जाएगा यहां पे आ जाता है पी आई वन माइनस पी आई प्लस लैमडा आई बिलोंग टू जे, ठीक है यहां पे पी आई क्या है प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीवियस टाइम स्टेप या आइटरेशन आप बोल सकते हो ठीक है सो दिस इज द आउटपुट और यही हमने यहाँ पर देखा था जब हमने प्लान ऑफ अटैक में डिस्कस किया था यू का सम और नीचे ये आ गया, ठीक है? और यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया यू कैन सी आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अगर हम वापस जाए जहां से हमने शुरू किया था तो हमें चार फॉर्मूलाज डिराइव करना सीखना था इस वीडियो में उनमें से ये दो फॉर्मूलाज हमने स्क्रैच से डिराइव करना सीख लिया आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट करने का अब बस दो फार्मूलेज बचे हैं और वो है सिमिलैरिटी स्कोर निकालने का फॉर्मूला ये कहाँ से आया ये हम लोग अब सीखेंगे तो अगर हम अभी तक का प्रोग्रेस देखें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ठीक है जिसका इक्वेशन ये स्क्रीन पर है और हमने इसको मिनिमाइज करने वाला डब्ल्यू जे का वैल्यूज कैलकुलेट किया और वो डब्ल्यू जे ये निकल के आया फिर इसी डब्ल्यू जे में मैंने जब जी और एच के वैल्यूज डाले तो मुझे आउटपुट वैल्यू एग्जैक्टली मिल गया फॉर बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन बट वॉट इफ मैं एक काम करूं इस डब्ल्यू जे को उठा करके यहां पे रिप्लेस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा सोच के देखो मुझे मिलेगा द मिनिमम लॉस जो इस पैरामीटर वैल्यू को यूज करने से आता है राइट right. अभी फिलहाल ये डब्ल्यू जे क्या है दिस इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू जे जो इस लॉस को मिनिमाइज करेगा बट वो लॉस होगा कितना उसका मिनिमम वैल्यू होगा कितना वो हम निकालना चाहते हैं तो दैट इज वाई यहाँ पे डब्ल्यू जे के अंदर हम इनको रिप्लेस कर देंगे तो रिप्लेस करने से क्या होगा मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको क्यू बुलाया जाता है ये जो मिनिमम लॉस आता है इसको क्यू बुलाया जाता है आ, एक बार मैं पहले आपको एक्सप्रेशन निकाल के दिखाता हूँ फिर मैं बताऊंगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है सो so, कुछ खास नहीं है सिंपल मैथमेटिकल बेसिकली एल्जब्रा हम यूज करेंगे मैनिपुलेट करने के लिए बाकी कुछ खास नहीं है यहाँ पे जी आ गया इस डब्ल्यू जे को हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं यहाँ पे आ गया प्लस हाफ आई बिलोंग्स टू आई जे एच आई प्लस लैमडा यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे आ जाएगा

क्वांटिटी को काटेगी एक बार क्योंकि वहां पे स्क्वायर है और ऐसा करने से हमें ये मिलेगा हमें मिलेगा जी यहाँ पे बाय द वे जी होगा आई एम सॉरी क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन हैं और साथ में पढ़ाना भी पड़ रहा है तो थोड़ी सी गलतियां हो रही होंगी आई एम श्योर इसके पहले भी कुछ गलती होगी जो मैंने नोटिस नहीं की होगी सो so, आप प्लीज कमेंट्स में लिख देना सो दैट फ्यूचर में अगर कोई कंफ्यूज होगा तो अगर वो कमेंट गो थ्रू करेगा तो एटलीस्ट उसको समझ में आ जाएगा तो एक चीज शायद आपको दिखाई दे रही होगी कि दोनों ही टर्म्स सेम हो चुके हैं ये और ये इसके आगे माइनस वन है इसके आगे प्लस हाफ लगा है तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस वुड बिकम माइनस हाफ प्लस गामा टी अब मैं चाहूँ तो इस माइनस हाफ को बाहर ला सकता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस हाफ जे इक्वल टू वन से टी न्यूमरेटर में आ जाएगा सिग्मा आई बिलोंग्स टू आई जे जी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई बिलोंग्स टू आई जे एच आई प्लस लैमडा प्लस गामा टी, दिस इज द मिनिमम लॉस वैल्यू दिस इज द मिनिमम लॉस वैल्यू और ये बता रहे कि जो आप लास्ट मॉडल ऐड कर रहे हो लास्ट ट्री ऐड कर रहे हो तो उस ट्री से आपका मिनिमम लॉस कितना होगा ठीक है एग्जैक्टली uh, exactly यही सेम वैल्यू आपको रिसर्च पेपर में भी मिलेगी यू कैन सी उट दिस वैल्यू हमने डब्लू जे तो कैलकुलेट कर ही लिया था उसको जब वापस फिल किया माइनस हाफ सिग्मा ओवर टी जी आई स्क्र एच आई प्लस लैमडा प्लस गामा टी एग्जैक्टली हमें यह मिल गया और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दिस इक्वेशन कैन बी यूज एज अ स्कोरिंग फंक्शन टू मेजर द क्वालिटी ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर क्यू आपने जो भी ट्री बनाया है आइटरेशन टी पे सबसे रीसेंट वाला जो आप ट्री एड कर रहे हो उस ट्री का क्वालिटी मेजर करने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो दिस स्कोर इज लाइक द इम्प्योरिटी स्कोर फॉर इवेल्युएटिंग ट्री एक्सेप्ट दैट इट इज डिराइव्ड फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ठीक है तो हम इस क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं टू रिप्लेस जीनी इम्प्योरिटी या फिर एंट्रोपी बिकॉज इससे भी हमें पता चल ही रहा है कि हमने जो ट्री बनाया है उसका क्वालिटी कैसा है अब गए जो सिमिलैरिटी स्कोर आपने निकाला इसमें भी आप जी और एच का वैल्यू फिल कर सकते हो ठीक है अगर आप रिग्रेशन की बात करो हमने थोड़ी देर पहले ही पता किया था कि जी आता है सम ऑफ रेजिडुअल्स ठीक है जी एक्चुअली सम ऑफ रेजिडुअल्स नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस समेन सम आता है बट या जी इज बेसिकली योर रेजिडुअल एंड एच इज वन राइट और उसके ऊपर जब आप समेन करते हो तो वह एन बन जाता है ठीक है सिमिलरली फॉर क्लासिफिकेशन आपका जी आएगा अगेन रेजिडल जो सम हो जाएगा और एच आता है पी आई वन माइनस पी आई ये भी मैंने आपको बताया था जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को इस फॉर्मूले में डालोगे अगेन आपको ये चीज़ मिल जाएगी ये वाला फार्मूला फॉर रिग्रेशन ये वाला फार्मूला फॉर क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमने रेगुलराइजेशन वाला टर्म यूज़ नहीं किया बट आप कर भी सकते हो तो क्योंकि सिमिलैरिटी स्कोर तो निकल गया अब हम लोग इस सिमिलैरिटी स्कोर को यूज करके ट्री बिल्डिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपने अभी तक टी माइनस वन मॉडल्स एड कर चुके हो आप यू हैव एडेड टी माइनस वन मॉडल एंड नाउ यू आर गोइंग टू एड द टी एथ मॉडल एट टाइम स्टेप टी ठीक है एंड दिस इज अ डिसीजन ट्री तो आप ये डिसीजन ट्री बनाते कैसे हो बहुत सिंपल है आप सबसे पहले एक सिंगल लीफ नोड से स्टार्ट करते हो ठीक है पुराना वीडियो आपको देखना पड़ेगा और वहां पे यू ट्राई आउट ऑल द फीचर वैल्यूज टू फाइंड आउट दैट फीचर स्प्लिट, ठीक है उसके बाद आप इस सिंगल लीफ नोड के लिए ये वाली क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो ठीक है देखो कैसे आप इस सिंगल लीफ नोड के लिए इस क्वांटिटी को क्यू पी बुला सकते हो एज पेरेंट ठीक है और ये हो जाएगा माइनस हाफ ये जो समेशन है आप खुद सोचो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे टी का वैल्यू वन होगा क्यों? बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही लीफ नोड है तो बेसिकली ये समेसन यूज करने का जरूरत नहीं है हम विदाउट समेशन यूज किए यहाँ पे लिख सकते हैं आई बिलोंग्स टू आई पी आई पी मतलब पेरेंट वो सारे रोज जो इस लीफ नोड में आके गिर रहे हैं ठीक है आ, यहां पे आ जाएगा जी आई का स्क्वायर आई बिलोंग्स टू आई पी एच आई प्लस लैमडा प्लस गामाटी ठीक है तो ये हो गया हमारा सिमिलैरिटी स्कोर फॉर दिस लीफ नोड अब क्या होगा हम इस लीफ नोड को स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने के बाद हमें ये डिसीजन ट्री मिलेगा जहां पे ये स्ट्रक्चर है अब हमारे पास दो लीफ नोड्स होंगे ठीक है वन वन दिस दिस एंड द अब ऑब्वियसली हमने अगर स्प्लिटिंग की है और नए नोट्स बनाए हैं तो हम ऐसा इसलिए करना चाहेंगे बिकॉज हम इस लॉस को और रिड्यूस करना चाहते हैं सही बात है तो अब हम क्या करेंगे इस ट्री स्ट्रक्चर के लिए ये ओवरऑल लॉस कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो ध्यान देना क्या होगा यहां पे हम लिखेंगे मैं इसको क्यूसी बोल रहा हूं फॉर चाइल्ड यहां पे आ जाएगा माइनस हाफ अब ये वाला जो अंदर वाला लूप है ये दो बार चलेगा बिकॉज टी का वैल्यू टू है देर आर टू लीव नोट्स दिस वन एंड दिस वन तो मैं एक्सपैंड कर रहा हूं तो पहली बार हम इस वाले नोड की बात करेंगे दूसरी बार हम लोग इस वाले नोड की बात करेंगे तो लेफ्ट वाले नोड के लिए हमारा इक्वेशन होगा i बिलोंग्स टू i लेफ्ट जी आई का स्क्वायर वो सारे रोज जो इस नोड में आके गिर रहे हैं, सिग्मा i बिलोंग्स टू il एल एच आई प्लस लैमडा प्लस गामा टी अच्छा एक चीज और यहां पर ये जो टी है इसका वैल्यू वन हो जाएगा तो आप एक्चुअली इसको हटा सकते हो फॉर द पेरेंट और यहां पर क्या होगा यहां पे ये लामडा आ गया प्लस प्लस एक बार और हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे सो दिस वुड बी आई बिलोंग्स टू आई आर जी आई अब हम इस वाले नोड के लिए बना रहे डिवाइडेड बाय सिग्मा आई बिलोंग्स टू आई आर एच आई प्लस लैमडा प्लस यहाँ पे भी गामा टी है बट अब यहाँ पे टी के बदले टू आ जाएगा बिकॉज देर आर टू लीफ नोड्स। तो वी कैन राइट इट एज टू गामा, ठीक है तो अब मेरे पास इस पेरेंट का जो लॉस था वो भी है और इस चाइल्ड का जो लॉस था क्यूमुलेटिव लॉस वो भी है अब मुझे क्या पता करना है कि लॉस कितना रिड्यूस हुआ ये स्प्लिट मारने के बाद लॉस कितना रिड्यूस हुआ तो मैं क्या करूंगा मैं ये क्वांटिटी निकालने की कोशिश करूंगा पेरेंट माइनस चाइल्ड ठीक है इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड यू वुड सी कि आपको मिलेगा मैं पूरा पूरा चीज दोबारा नहीं लिखना चाहता तो आई जस्ट कॉपी दिस मच एंड आई पेस्ट इट हियर ठीक है इनफैक्ट ये बाद में आएगा ऊपर वाली चीज पहले आएगी तो आई क्विकली इेज कॉपी पेस्ट ठीक है अभी इन दोनों के बीच में इस पूरे को मैं ऐसे रख रहा हूं इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट आएगा ये वाला ठीक है तो इससे क्या होगा इसको एक बार समराइज करते हैं ये माइनस इसको भी माइनस बना देगा तो उसकी वजह से इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको माइनस गामा मिलेगा ठीक है और अगर आप बात करो इन तीनों की तो ये ऐसा दिखाई देंगे माइनस हाफ मैं जल्दी से लिखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है ये सारे एक्सप्रेशन तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम लैमडा ये माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा यहाँ पे आ, भी प्लस हाफ हो जाएगा ठीक है ये पूरी चीज़ एक साथ आ गई और माइनस गामा हो जाएगा अब आप देख सकते हो इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करके हाफ बाहर निकाल लो अगर आप हाफ बाहर निकालो तो आप इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो सिग्मा आई बिलोंगिंग टू आई एल दिस टर्म जी आई का स्क्वायर सिग्मा आई बिलोंगिंग टू आई एल एच आई प्लस लैमडा प्लस सिग्मा आई बिलोंगिंग टू आई आर जी आई का स्क्वायर दिस टर्म डिवाइडेड बाय आई बिलोंगिंग टू आई आर एच आई प्लस लामडा माइनस ये वाला टर्म आई बिलोंगिंग टू आई आर जी आई का स्क्वायर आई बिलोंगिंग टू नॉट आर होगा पी होगा फॉर पेरेंट एच आई प्लस लामडा माइनस गामा and this is the difference that you are difference in loss that you are getting when you are actually doing this split ये split करने से आपको इतने का फायदा मिल रहा है this is the difference ठीक है and this is what you do if you remember हम exactly यही करते थे हम split मारते थे हम similarity score calculate करते थे पेरेंट के लिए दोनों चाइल्ड के लिए और चाइल्ड वाले से सब्रैक्ट करते थे ठीक है वहां पर बस मैंने ये हाफ नहीं लिया था और इस गामा को कंसिडर नहीं किया था हम regularization का बात नहीं कर रहे थे बट ये जो अंदर वाला फॉर्मूला है ये हमने यूज किया था अब अगर आप बात करो तो यू कैन सी दिस इज द स्प्लिट क्राइटेरिया हाफ बाहर आ गया आई वाला चीज प्लस आई आर वाला चीज माइनस नॉर्मल आई वाला चीज माइनस गामा ठीक है सो दिस इज द लॉस रिडक्शन आफ्टर द स्प्लिट आई होप आपको समझ में आ रहा है ठीक है तो विद दैट हमने ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स स्क्रैच से समझ लिया हमारे पास अब जो भी अभी तक हमने किया था हर चीज का जस्टिफिकेशन है सो so, कैसा लगा वीडियो आपको आई uh, नो बहुत ही लंबा वीडियो था और थक गए गएगे आप फॉर श्योर sure, पढ़ने में और हो सकता है कुछ जगहों पे आपको डाउट्स भी आ रहे होंगे बट ट्रस्ट मी ये वीडियो इस तरीके से क्रिएटेड है कि अगर आप एक बार फिर से जाके दोबारा देखो खुद से नोट्स बनाओ तो चीज़ें स्टिक करेंगी आपके दिमाग में और आप उसको रिटेन कर पाओगे ठीक so, है सो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में सो so, प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय